तकरीबन 150 साल पुरानी बताई जाती है। मैदा, घी और अंडे के मिलाप के साथ तैयार होने वाला कुलचा हर घर के दस्तरखान पर खाने को मिलता है। आजाद कश्मीर की इस मुनफरद लज्जत और खुशबू में बसी सौगात को लोग न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी पेश करते हैं। कश्मीरी कुलचा जो है वो कश्मीर की पहचान है। इसको हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। सुबह के टाइम घरों में नाश्ते के टाइम पे ये यूज किया जाता है और बाहर के ममालिक में जो हमारे अजीज वकारिब होते हैं उनको हम लोग तोहफे के तौर पर भी पेश करते हैं। ये हमारी कश्मीर की पुरानी सकाफत है और हमारे सुबह के नाश्ते में ये कुलचा इस्तेमाल होता है और अक्सर लोग इसको बैरूनी मुल्क भी ले जाते हैं। कुलचा कश्मीर की बेहतरीन सौगात ही नहीं बल्कि हजारों खानदानों के रोजगार का भी जरिया है। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई से आजाद कश्मीर में कुलचा साजी की सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कुलचा साजी कश्मीर की कदीम सनत होने के अलावा मुजफ्फराबाद शहर की पहचान भी है। यहाँ तैयार किए जाने वाले मीठे और नमकीन कुलचे पाकिस्तान समेत बैरूने मुल्क सौगात के तौर पर भी भेजे जाते हैं। ये जो कुलचे जो हैं, इसमें एक टेस्ट होता है, इसमें इसमें अपना एक जायका होता है, लज्जत होती है। तो ये हम आजाद कश्मीर से हमारे मेहमान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए हैं तो वो उनके लिए हम ये कुलचा लेके जा रहे हैं यहाँ से। कश्मीरी कुलचा की तारीख तकरीबन 150 साल पुरानी बताई जाती है। कश्मीरी कुलचा अपने मियार और खूबसूरती की वजह से कश्मीर की तहजीब और सकाफत का लाजमी हिस्सा तसव्वुर किया जाता है। बढ़ती हुई महंगाई कश्मीर की इस खूबसूरत पहचान को खत्म करने का सबब बन सकती है। कैमरामैन जावेद अब्बासी के साथ नसरीन शेख।